मेघना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? देखो, हम नहीं चाहते कि तुम मंदिरा के इस ऑफर को स्वीकार करो। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे रोज रोज मर मर के नहीं जीना, और मैंने मंदिरा की ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बस। मेघना, देखो तुम आज बहुत बड़ी गलती कर रही हो, जल्दबाजी में और पैसे के लालच में इतना बड़ा फैसला ले रही हो। कल को तुम इसी फैसले को लेकर बहुत पछताओगी। हाँ मेघना, जया बिल्कुल ठीक कह रही है। पति कोई दुकान में बिकने वाला खिलौना नहीं कि दिल बहलाने के लिए तुम खरीद लाए, और जब तुम्हारा जी उब जाए तो अपने फायदे के लिए उसे तुम किसी और को बेच दो। पति पत्नी का रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होता है। हमारे जमाने में इस पवित्र रिश्ते को बहुत अहमियत दी जाती थी, और औरतें प्रार्थना किया करती थी कि अगले 7 जन्मों तक हमें यही पति मिले। सकती अविनाश से शादी करके मुझे क्या मिला? झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना। अरे कि यही तकलीफ सहना औरत की जिंदगी है? ये औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है मेघना। हे भगवान, घर परिवार की सेवा करना औरत का धर्म है, लेकिन ये बात सिर्फ वो समझ सकता है जो परिवार के मायने जानता हो। परिवार परिवार परिवार, मैं तंग आ चुकी हूँ इस परिवार से। मेघना, हाँ ये बहुत सह चुकी हूँ मैं, और अब जब मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं? इस ऑफर से अकेले मुझे फायदा नहीं हो रहा, आप सबको फायदा हो रहा है। अरे ये पैसे, ये जेवर, हाँ, ये सब सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अरे इन पैसों के बिना जिंदगी अधूरी है। जरा मेरी नजर से इस दुनिया को देखिए। देख रही हूँ मेघना, तुम्हारी ही नजर से देख रही हूँ इस दुनिया। बहुत छोटी हो गई है ये दुनिया, बहुत छोटी। यहाँ हर रिश्ते को पैसों से तोला जा रहा है। सही कह रही है मेघना। अरे क्या सही है, ये सब जज्बातों की बातें हैं। अरे आज की दुनिया में बस यही सही है, ये सब सही है आज। मंदिरा की दी हुई इन चीजों में थोड़े दिन की खुशी है, और अविनाश के साथ तुम्हारा जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, वो जिंदगी भर का साथ है। तुम इनकी तुलना अपने पति से कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। अगर सिर्फ मेरा पति देखकर ये सारा सुख मुझे मिल रहा है तो फिर मैं क्यों ना लूँ वो सुख? मैंने फैसला कर लिया है, अविनाश की शादी मंदिरा से होकर रहेगी, बस।